गुड आफ्टरनून, आपण माने सब केमिति अछंती? मु त ठीक अछि, काम सब सरी गलाणी, खिया पिया भी साथ दैछि। तापरे मां को गटे जो पैंट कपडाटा काटी थिली सेटा तांको बतै देकि आछि, से सिलै करूछंती। तार जो ड्रेस कपडाटा थिला सेटा काटी देकि आसिली। मु कहली आसुछि, मु बतै देबि तमे केमिति सिलैबो। मां मोर ट्रेनिंग नैथिले सिलै ट्रेनिंग, आमे जेतेबेळे छोट थिलु से छोटे छोटे सेमिज बनैकि आमको पिंधैथिले ऑरेंज कलर रो, सेटा मने अछि। तापर आउ सेमिति ड्रेस केबे कटिंग करनांती किबा निज ब्लाउज गुडा करिकि पिंधि छंती अल्प किछि। जेबेठारु तांकर जॉब हैला से टीचर अछंती, तो स्कूल जिबा अपर सपटरे से आउ सिलै करि पारंतिनी, बहुत जिनस भुलि जाइछंती। तांको बतै देने से बसिकि सिलै कर दियंती। आज इवनिंग रे जने स्पेशल पर्सन आछंती, जदि आपण माने गेस करिकि कमेंट करि पारिबे मते बहुत खुशी लागिबो। के आसुथबे कहिकि मु त आपण मानको वीडियो देखैबी के आछंती कहिकि। बहुत जन अछंती मते कमेंट करूथिले जे प्रेगनेंसी टाइम रे सिलै करंतिनी, छुंची सूता धरंतिनी। गोटे कथा मने रखिबे, जदि आपण छुंची सूता सिलै करले भी आपण को नॉर्मल रे भी स्टिच पड़िबो, आउ धरंतु किछ कॉम्प्लिकेशन आसिला तो भी स्टिच पड़ो। जो मैंने टोटाली सिलई करना तांकर भी देखते सी एस होटा आम कहीपरबानी कहार कौन पाई हो, कि सिलई सहित तार जो कहते सिलई कर तार रिजनटा या जे आमर ओडिशार जितकी भी मेसीन अच्छे सब गोड़पिटा मेसीन। आ प्रेगनेंसी टाइम जो आम तड़ी पेटर प्रेसर न पड़ू से ही से मना करती, जो तले आम पाद को बार बार हल्ले करूना आमर जो भेन गुड़ा अच्छे से गुड़ा टाणी हुए से मना करती प्रेगनेंसी टाइम मेसीन सिलई करने। मोर पर्सनाल एक्सपीरियंस मु कहूँ, मु फर्स्ट प्रेगनेंसी भी सिलई करी मोर इलेक्ट्रॉनिक मेसीन करी, कितु गड़पिटार मुनी से गोटे नॉर्मल आम एम भल लोक भी जब गोटे सिलई करना मैंने से देखिए पाद जो गोड़ गुड़ा जो मैंने नुआ शिखुए बता हम। प्रेगनेंसी टाइम टा सेमती भी नुह जे आप बहुत फुर्ती फिल करी जे ठीक अच्छा से मैंने सिलई करें, जदि आप भल लगुन कौन सी बाध्यतामूलक नुहजे आप सिलई करूँ कहीकि। किंतु मु बाहर देखिली कहते ना गोटे कथा देश गोटे को बेस गोटे, सेमती आमर ओडिशा रे प्रेग्नेंट रहिना माने सिलई मना कर दोछंती, छुंची सूता धरिबनी मेसीन रे सिलई करिबनी कटाकटी किछि करिबनी। किंतु बाहर मु देखिली जो गुजरात रे भी थिली मु देखिली सेहि प्रेग्नेंट लेडी माने भी पूरा सिलई करूछंती। मध्यप्रदेश रे भी देखी जो मैंने प्रेग्नेंट अच्छा से मैंने भी सिलई करूछंती। गोटे कथा भाविकी देखूँ, जहाँ घर जदि से सिलई रु ही चढ़ु थो से कौन नौमास भकिला रहा ता घर लोक चढ़े से टाइप रमर गोटे ये कहते सिलई करनी सेमती मत कहीं प्रॉब्लम जना पड़ानी। मु मोर एक्सपीरियंस कहूँ आपण मानक हुए तो सहीटा केमी लगे मुझेपरिनी जे आपण मैंने सिलई करूँ कि न करंतु, किंतु मु रीजनटा बतई दौर जदि आपखे इलेक्ट्रॉनिक मेसीन अच्छी आप बस कंफर्टेबल अच्छा तो आराम से सिलई करूँ। मु कौन पर सिलई कर जानते मोर टाइम पास में जदि बसी बसिकी आप रे ना देहटा भी आपको भल लगे मुझे फिल कैजे मुझे बहुत बोर हो जाए तो मुझे वीडियो बनवा भी स्टार्ट करदेली। तापर एवं सिलई भी मुझे अल्प किसी आउ गोटे जिनस मन रखिए यही कहते जो जिनसा जदि आरंभ करधारे रखनी पूरा कर जो भी कपड़ा जदि कटिंग करुच्ची पूरा कटिंग करके रखिदे जदि मुझे सिलईवापी बसुची एका बेल के सिलई कि उठुची कौन पर जदि मुझे काटबी अधा कटा होकरी मैंने अधा कम रहा जेहेतु गोटे आम देह भितर कौन से जो शिशु जो पिंडाटा बनुच्छे आमर से गोटे पूर्णांग जन्म हम से गोटे जो आमर रही जेजेमा मैंने कि आई मैंने कहते कौन सी भी जिनस प्रेगनेंसी टाइम अधा छाड़बनि से बुणाबुणी कम हो जाए कि जहाँ कम हो आपको कम्प्लीट करवा ही दरकार प्रेगनेंसी भितर से मुझे जो कपड़ा भी काटू कटिंगटा मुझे नानी गोटे ड्रेस बनैली गोटे दिन बसिकी से बनईदेली किंतु सिलई टे कम करेतु केत धरतु हटात देहटा भल लगे कौ ड्रेसटा मुझे अधा बनई थी रही जिनसापी मुनी
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କନସିଭ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମା ମୋତେ କଲ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଏବେ 3 ମାସ 4 ମାସ ଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ସିଲେଇ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କଲି, କେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର 4 ମାସ ଯାଇ ପିଲା ପୁରା ବନି ଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ଟିକେ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତ ବସିକି ଆଉ ରହିପାରୁନଥିଲି, ଖାଇବି ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଲେଇ କରିନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ କରିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ ସିଲେଇ କଲି, ନାନୀର ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କଲି। ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା, ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର, ଡାଏଟ୍ ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବହୁତ ହି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ। ମନରେ କେବେ ଆଣିବେନି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୁଁ କରିବି ପିଲାକୁ ଏମିତି ହେବ। ଯଦି ସେଇଟା ଭଗବାନ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେମିତି ହୁଏ, ନହେଲେ ହେବନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପିଲାର ହିଁ କାମନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି କହିକି। ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସିଲେଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ସିଲେଇ କରିପାରିବୁ କି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବାହାର ଯେଉଁଠି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିମାନେ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କି ଗୋଡ଼ ପିଟା ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଟନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମେସିନ୍ରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆରାମସେ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଚଣ୍ଡା ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରାହୁଏ ଯେ ସିଲେଇ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ଗେସ୍ କରିବେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କହିକି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେତିକିଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଲୋକ ସହିତ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।